नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और इंडिया न्यूज़ अपनी एक खास पेशकश लेके आया है जिसका नाम है वायरल डिटेक्टिव, जिसमें हम बात करेंगे वायरल खबरों के बारे में, वायरल वीडियोस के बारे में, और यही नहीं वायरल लोगों के बारे में भी। आज इसका पहला एपिसोड है और आप देख रहे हैं पहला एपिसोड वायरल डिटेक्टिव का, और हम इसमें एक वायरल शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो वायरल शख्स पाकिस्तान का है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो हूबहू भारत के एक सबसे बड़े सुपरस्टार से मिलती है, जिनका नाम है रजनीकांत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वो कौन ऐसा शख्स है जो एकदम रजनीकांत के जैसे दिखता है, रजनीकांत के जैसे हाव भाव है, पाकिस्तान में रहता है और उसको पता भी नहीं था कि रजनीकांत उसके जैसे दिखते हैं, या फिर उसको कब ऐसा पता चला कि आखिर रजनीकांत कैसे दिखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो बल्कि रजनीकांत की नहीं है, ये एक पाकिस्तानी कर्मचारी की है, सरकारी कर्मचारी की है, जिनका नाम है रहमत गशकोरी। आपको बता दें कि रहमत गशकोरी जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे टीवी जो चैनल्स हैं वहाँ के पाकिस्तान के, उन्होंने इनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। और इन्होंने बताया कि इनको शुरू में पता भी नहीं था कि रजनीकांत से हूबहू मिलती है इनकी शक्ल। आप देखिएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे रजनीकांत एक तरफ खड़े हैं, कैसे रहमत एक तरफ खड़े हैं, और दोनों को देख के बहुत ही लगता ही नहीं है कि इसमें से कौन असली रजनीकांत है और कौन नकली रजनीकांत है, फिर कौन हमशक्ल है। जब रहमत बताते हैं, जब उनसे मीडिया पर्सन्स ने बात की कि आपको इस बात के बारे में कब जानकारी लगी, तो उन्होंने बताया कि मैं सोशल मीडिया पर तब आया जब मैंने अपना कार्यालय ज्वाइन किया, मतलब उन्होंने जब अपना काम शुरू किया, ऑफिस जब उन्होंने जाना शुरू किया। अब जब उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया तो उनके जो कॉलीग थे उन्होंने उनके बारे में बात करनी शुरू की। अब जब उनकी कॉलीग ने उनके बारे में बात करनी शुरू की तब उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये मेरी शक्ल की तुलना रजनीकांत से क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब चलते समय, लोगों से मिलते समय, लोग उनको रजनीकांत से ही डिनोट करते थे, और जब वो सोशल मीडिया पर भी आए तो सोशल मीडिया पे भी लोग उन्हें रजनीकांत के नाम से पुकारने लगे थे, तो तब उन्होंने पहचाना कि रजनीकांत कितने बड़े शख्स हैं और रजनीकांत कितने बड़े इंसान हैं, भारत में कितने महान कलाकार हैं। वो ये मानते हैं कि भगवान ने या फिर ऊपर वाले ने उन्हें एक मौका दिया है इतने बड़े शख्स के चेहरे के साथ पैदा होने के लिए, और वो इस चेहरे को बहुत ही अब मानते हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे उन्हें धीरे धीरे पता चला कि रजनीकांत बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, वो उनकी जो स्टाइल है वो कॉपी करने लगे, जो उनका सिगरेट लाइटिंग का स्टाइल है, जो उनके बोलने का स्टाइल है, जो उनके चुटीले अंदाज हैं, उन सभी अंदाजों को वो कॉपी करने लगे और लोगों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने लगे। अब उनकी जो तस्वीरें हैं, उनकी जो वीडियोस है, वो खूब वायरल हो रही है, हमारे तक भी पहुंची। हमने इसीलिए सोचा कि वायरल डिटेक्टिव के इस पहले एपिसोड में हम आपको यही बताएं कि आखिर रजनीकांत का ये जो हमशक्ल है जिसको आप अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कहाँ